नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ओपी जायसवाल, आज मैं अपने गृह ग्राम में कई वर्षों के बाद यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ, जहाँ हमारे यहाँ की ये सोन नदी है, जहाँ पर मैं पहले कई सालों पहले प्रैक्टिस किया करता था अपने रनिंग की। ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि सोन नदी में कम से कम 1.5 से 2 घंटे तैराकी किया करते थे। उसके बाद ये रेत है, रेत में दौड़ा करते थे हम लोग नंगे पांव। इसलिए दौड़ते थे कि रेत में बड़े मुश्किल से स्टेप बनते हैं और इस रेत में दौड़ना सबसे मुश्किल काम रहता है। बहुत जल्दी थकते हैं, बहुत जल्दी पैर भर जाता है और हम लोग इसी में कम से कम 10 से 15 किलोमीटर रोज रनिंग किया करते थे। और यहाँ आने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, यहाँ बढ़िया मछलियाँ मिलती हैं, मछलियाँ की डाइट रहा करती थी प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो। और यहाँ बढ़िया तेल लगाकर इस रेत के नीचे अपने आप को ढक के रिलैक्स करते थे करीब 2 से 3 घंटे तक। यहाँ अक्सर मैंने यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने आया है, तो मेरी प्रैक्टिस कम से कम 4 से 5 घंटे रहा करती थी। तो मैं करीब 2:30-3 बजे रात को दौड़ने आया करता था यहाँ पर दौड़ने। तो यहाँ पर कई सोन नदी के किनारे कई चिताएं जलती रहती हैं, क्योंकि गांव के लोग जो भी अंतिम संस्कार करने आते हैं इसी नदी के किनारे करने आते हैं। जब ठंडी से मैं ठुकर जाता था, काफ़ी ठंड से अकड़ने लगता था, तो उस चिताओं में जाके सिकाई करता था अपने आप को, फिर उसके बाद दौड़ लगाता था, यहाँ पर प्रैक्टिस करता था। फिर ठंड जब लगने लगती थी, फिर आके उस चिताओं में अपने आप को सेकता था। और वो दिन आज याद आ रहे हैं कि नहीं, ये पुरानी वादियों में, पुराने गांव में जो आनंद है, उस तरह का आनंद आजकल शहरों में एक नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत।